और देखिए जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि खाई में यहां एक बस गिर गई है। ये बड़ा हादसा हुआ, हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई है, यानी कि दो लोगों की जान चली गई। 25 लोग इस हादसे का शिकार हुए जो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घायलों का इलाज डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 25 घायलों में से 9 लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। दर्दनाक और दुखद यह हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की अब तक मौत की जानकारी है। 25 से अधिक लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 9 लोगों की स्थिति अभी गंभीर है। 200 फीट की ये गहरी खाई जिसमें बस जाकर गिर गई, डोडा से ये बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आई। 200 फीट की गहरी खाई, आप अंदाजा लगा सकते हैं पहाड़ी इलाकों में ऐसी खाई में अगर कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी गिरे और उसमें सवार लोगों की हालत क्या होगी। शुरुआती जानकारी ये है कि दो लोगों की जान जा चुकी है और 25 लोग घायल हैं, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें इन्हें एडमिट करा दिया गया, उपचार जारी है, रेस्क्यू अभियान चलाया गया और इस तरीके से स्थानीय लोगों ने भी मदद किया। सेना के जवान भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और लोगों का रेस्क्यू। Z News.